जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं वो इस समय अवेलेबल नहीं है. द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ. प्लीज ट्राई लेटर. मैं श्रीनगर से हूँ, तो यहाँ दिल्ली में जॉब करता हूँ. जो हालात अभी कश्मीर के बने हुए हैं, पिछले 6 दिन से हमें घर वालों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, फैमिली के साथ कोई भी टच नहीं, सारे कम्युनिकेशन जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो बंद कर दिए गए हैं. या आई एम फ्रॉम कश्मीर श्रीनगर एंड इट्स बीन 5 डेज सिंस आई हैवंट स्पोक टू माय मदर माय फैमिली. आई हैव नो आइडिया आर दे अलाइव, वेयर आर दे, व्हाट आर दे डूइंग. कुछ दिनों से मेरा घर वालों के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वो ठीक है नहीं है. कोई भी जरिया नहीं है जैसे हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. यहाँ जैसे बताया जाता है कि वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैंने मुझे समझ आ रहा है वहाँ पूरी फोर्स ही फोर्स लगी हुई है. उनको घर से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा है कि वो हमें कॉल करें. हमें समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट चाहती क्या है वहाँ से. पता नहीं पिछले 6 दिन से जो ये 370 आर्टिकल का मसला चल रहा है, टोटल कम्युनिकेशन बैन कर दी गई है श्रीनगर में, हमारे कश्मीर में. पता नहीं हमारे घर वाले किस हालत में हैं, हमें जान भी नहीं पाते हमारे घर वाले इस वक्त कहाँ हैं, क्यों ये सब मसला क्यों हो रहा है. यानी अगर एक गवर्नमेंट कहती है हम लोगों का हमेशा साथ देने वाले हैं, हम हमेशा इनके साथ रहेंगे, तो हमारे घर वाले कहाँ हैं? वो उनको हमारे हमें दिखाते क्यों नहीं, हमारी उनके साथ कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर पाते वो? करें कि आर्टिकल 370 का हल्ला आजकल बहुत चल रहा है कि जो ये हटाया गया है 367 को अमेंड किया है, देन 370 क्लॉज 1 को अमेंड किया है, 370 क्लॉज 3 को अमेंड किया है. तो अगर ये देखा जाएगा कि पहले कश्मीरियों से, आम जनता से, जैन के लोगों से पूछना चाहिए वो क्या चाहते हैं. एक्चुअली ये आम जनता से नहीं पूछा गया, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी जी ने डायरेक्टली डिसीजन ये ले लिया कि चलो रातों रात ये उठाएंगे. बट अगर ये देखा जाएगा कि आप अदर स्टेट्स में भी, अदर स्टेट्स आर ऑल्सो एन्जॉइंग स्पेशल स्टेटस लाइक 371A में मिजोरम है, इवन वहाँ पे भी आप लैंड नहीं खरीद सकते हैं. शिमला में भी आप लैंड नहीं खरीद सकते. देयर आर 12 और 13 स्टेट्स जो स्पेशल स्टेट्स एन्जॉय करते हैं, बट हमारे जम्मू कश्मीर के साथ ही क्यों ऐसा हुआ? आर्टिकल 370 इन लोगों ने हमसे छीन लिया एंड दे कॉल अस द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. अगर हम इनका पार्ट है तो मुझे नहीं लगता है कि इनको ज़रूरत थी हमसे ये हक छीनने का, क्योंकि हम तो पहले से 70 साल से ही हम लोग इनके साथ हैं ना. तो इस चंद ज़मीन के लिए इन दे प्लेड सो इन ह्यूमन गेम. दिस इज़ नॉट ह्यूमैनिटी वॉट एवर दे डिड, दिस इज़ रियली इन ह्यूमन. अगर उनको थोड़ी सी मतलब ज़मीन के लिए वो ये कर रहे हैं, उनको वहाँ के अगर लोग चाहिए होंगे तो आई डोंट थिंक कि वो इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं. मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि लोग मिले नहीं मिले उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ वहाँ की ज़मीन चाहिए. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये बोला है कि कश्मीर वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं, जम्मू वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं, लद्दाख वाले सेलिब्रेट कर, ठीक है अगर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या वहाँ पे लद्दाख में फिर क्यों कर्फ्यू लगी है? जम्मू में क्यों कर्फ्यू लगी है? सब कुछ क्यों बंद है? शट डाउन क्यों है सब कुछ? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए. क्या यही डेवलपमेंट है हमारे लिए? ये जो सिचुएशन इन्होंने की आर्टिकल 370 को लेके, ये 53 से हमारे साथ ऐसे ही ब्रिटल हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन्स है वो सफ़र करेंगी. आज हमें ये कहा जा रहा है कि आपको वहाँ से बेनिफिट मिलेगा, कि यहाँ पर जो इंडिया की जो बड़ी स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पर वो मराठों के लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं कि खाली मराठों के लिए जॉब रिजर्वेशन होनी चाहिए. तो वहाँ पर जो ऑलरेडी थी, जिस स्टेट में ये था कि वहाँ J&K के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, वहाँ पर जो जॉब्स के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है उसको भी वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ इस वक्त ये आ रही है कि पिछले 6 दिन से हम घर वालों के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. ये हमें ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के खुले माहौल में हम जेल में बंद हैं. हमारी गवर्नमेंट से एक ही इल्तिजा है कि वो हमें बताए हम अपने घर वालों से कैसे कांटेक्ट करें, हम अपने घरों को कैसे पहुंचाएं, ताकि हमारी जो हमारा जो ये बड़ा दिन आ रहा है, हमारे लिए जो ईद उल अज़हा आ रही है, हम वो अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी मना पाए. पता नहीं ये गवर्नमेंट हमारे साथ करना क्या चाहती है, आगे हमें किस कंडीशन में पहुंचाना चाहती है वो.
I want to appeal government, Modi sahab, ki please and please wahan ke network, agar kuch nahi to network hamare wapas connection jo bhi hai wo kara do, kyunki hame hamare maa baap se baat karni hai. Hamare prime minister ji, Modi ji, unko ye sochna tha, chahiye tha ki kya Jammu and Kashmir log kya really is cheez se happy hai ya nahi hai. And चलिए ठीक है, 370 को तो हटाया ही गया है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी जैन के पूरी एक जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में चेंज किया एंड लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी में, एक जीती जागती स्टेट को ख़त्म कर दिया एंड लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेशन एंड जम्मू कश्मीर को विद लेजिस्लेशन. क्या मजाक बना के रखा है कॉन्स्टिट्यूशन को. Thank you.